कोई भी डॉक्टर किसी को जीवन नहीं दे सकता है, प्रयास जरूर कर सकता है, वो सारा प्रयास हमने किया है। भाई साहब अगर मेरी भी जिंदगी मेरे हाथ में होती तो हम कह सकते हैं, यहाँ कोई डॉक्टर जो उपस्थित नहीं कहते कि अपनी जिंदगी बचा लेंगे, कोई नहीं कर सकता है। उसका सब सीटी कवरेज सब जो डॉक्टर संतोष किया है सारा दिन से जब से वो एडमिट है और एक मिनट भी कभी वो बंद नहीं हुआ है। हम लोग उसको भी देखा है, बच्चा बिल्कुल भला चंगा था, खाना खाया है चम्मच से ले लेते हैं और खाने के बाद सो भी गया है और सोने के बाद उसको थोड़ी वॉमिटिंग टेंडेंसी होती है, ठंडा लगा होगा। नए जनरेशन के लोग आजकल बिहार में जो है सूखे नशे का जो है सेवन कर रहे हैं और इसका परिणाम ये होता है कि वो डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। एक ऐसा ही मामला घटना जो है सामने आया है, बताते चले आपको कि 23 दिसंबर को एक व्यक्ति को जो है युवक को जो है अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, उसके बाद लगातार उसको जो है इलाज जो है उसका चलता रहता है, इलाज के दौरान जो है उसकी मौत हो जाती है और डॉक्टर पर ये आरोप लग जाता है कि डॉक्टर ने जो है उस युवक की हत्या की है। आपको बताते चले कि डॉक्टर जो है आम जनता के लिए भगवान होता है, लगातार डॉक्टर जो है वो बचा मतलब आम जो जनता हो तो उसको बचाने की कोशिश जो है डॉक्टर लगातार करता रहता है। एक ऐसे ही डॉक्टर है डॉक्टर संतोष जिन्होंने जो है एक युवक की जो है इलाज किया और युवक जो है वो किसी तरीके से जो है डेथ हो गया। उसके बाद युवक की डेथ होने के बाद उसके जो परिजन है वो डॉक्टर पर ये आरोप लगा दिए कि डॉक्टर के द्वारा जो है मारपीट जो है वो किया गया था और उसके बाद से ही जो है उसकी घटना जो है वो हो गई, उसकी रीढ़ की हड्डी जो है वो टूट गई। आप सुनिए कि जो तमाम डॉक्टर हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं। कवरेज सब जो डॉक्टर संतोष किया है सारा दिन से जब से वो एडमिट है और एक मिनट भी कभी वो बंद नहीं हुआ है। हम लोग उसको भी देखा है, बच्चा बिल्कुल भला चंगा था, खाना खाया है चम्मच से ले लेते हैं और खाने के बाद सो भी गया है और सोने के बाद उसको थोड़ी वॉमिटिंग टेंडेंसी होती है, ठंडा लगा होगा थोड़ा वॉमिटिंग टेंडेंसी हो रहा था। उसके बाद वो अनकम्फर्टेबल फील किया, नीचे लाया गया। उसके बाद संतोष डॉक्टर संतोष के कंप्यूटर स्कॉलर थे सर, उनका सब चीज़ है वहाँ पर, वीडियो रिकॉर्डिंग भी है और मॉनिटर भी लगा हुआ है। उनका पास फोन कर रहा था, मेरे जैसे कुछ दवाइयाँ गई बात में मेरा बगल में नर्सिंग होम है, डॉक्टर नर्सिंग होम में लग गया। आप देखें कि थोड़ा पेशेंट की हालत पल्स और ब्लड प्रेशर ठीक है, नहीं सांस लेने में ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल हो रहा था। हम लोग ऑक्सीजन लगाए और फिर सीपीआर देना शुरू किया, संतोष को दिया और मेरे यहाँ वो बिल्कुल चौके पर रखा गया। बहुत पॉसिबल है कि उसको जो सी पी आर दिया गया उसमें उसके जो निशान है वो बिल्कुल जो मारा गया उसमें आप ये नहीं देखता कि किस तरह से हुआ, फिर उसको गाड़ी में बैठा के और सी पी आर करते हुए घूम ले गए उसमें भी था। और रेस्ट में जो गए तो अनफॉर्चुनेटली कोई जगह रेट जो कोई खाली नहीं था और वो बिल्कुल टीम के जो स्ट्रेचर होता है वो स्ट्रेचर पर था, वो स्ट्रेचर पर ही काम शुरू किया और स्ट्रेचर पर तो काफी पकड़ पकड़ के तो अनफॉर्चुनेटली एम्स में सीटी भी नहीं है रहता तो सारा वहीं पर देख भी लेते हैं। संतोष कुछ फोटो भी खींच रहे थे, स्ट्रेचर पे ही सी पी आर होगा चूंकि जगह नहीं थी तो बहुत मामलों की उसे फील होगा कहीं पर, मान लीजिए ऐसे ऐसे करने से तो कहीं पर छिला और वो बिल्कुल जो है हमारे पास भी है उसको देखिएगा, देखिएगा तो पता चलेगा कि बिल्कुल तुरंत का है, वो कोई चोट की बात नहीं है उसके। पुलिस वाले ने सारा वेरिफिकेशन किया। अगर चोट लगती है तो मान लीजिए जो सीपीआई जो दिया जाता है वो दबाया जाता है तो यहाँ पे किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे किया जाता है साइड पे भी जाएगा साइड पे किया तो वो सर वो मतलब उस बंदे के जो फुटेज जो देखे हैं अभी सर उसमें सब बहुत सारे जगह मतलब लाल लाल कलर तो बिल्कुल बिल्कुल हमने आपको बताया कि सीपीआई मेरी है चौकी पे हुआ वहां स्ट्रेचर पे तो वो जब जिस वक्त होता है उस वक्त आदमी नहीं देखता कि कहां लगा है, वो तो जब करा छह छह आदमी वहां टीम लगी हुई और जब करा उस वक्त ये नहीं देखा जाता है कि कहां चोट लगा है। बहुत समय फ्रैक्चर होता है जो डॉक्टर बिनय ने बताया, बहुत समय हार्ट में ब्लड चला जाता है तो आदमी ये उस वक्त ये नहीं देखता कि उसका कहां छिल रहा है कहां चोट लगा है, तो बिल्कुल रफ सरफेस पे होगा और जब होगा तो लाल तो बहुत ये तो लाल देखने से पता नहीं चलता है पहले का है कि कब का है, तो वो तो सी टी वी पे सारा कहते हैं इसलिए कोई उसमें बोलने की जरूरत नहीं, सी टी वी में सारा चीज है। अगर आप लोग को है तो पुलिस स्टेशन वाले ले गए हैं, डॉक्टर संतोष ने अपना पूरा कैमरा ले लिया है, आप जाके वहाँ देख लो कोई बहस की बात ही नहीं उसमें जी। जो आप पे आरोप लगाया गया है कि आपके द्वारा उस लड़के का हत्या हो गया है, क्या सर ये कहाँ तक सर उचित है? पूरी तरह से निराधार है और जो मेरा मेडिकल नॉलेज है उसके हिसाब से हमने पूरी निष्ठा से उसका इलाज किया है। अच्छा सर निष्ठा से इलाज किए फिर भी वो बंदा डेथ कैसे कर गया सर? जीवन पे किसी का जोर नहीं है,
मेरा भी जीवन एक दिन जाना है। और इस सब बात कहने से पहले हम लोग ये बात कहना चाहते हैं कि मतलब वो जो परिवार है उसके प्रति हमारी संवेदना है और मतलब हार्दिक संवेदना है। मतलब रियली वरीड अबाउट देम। जो ग्रीविंग फैमिली है जिनका बच्चा चला गया है उनका जो कष्ट होगा मैंने हमारे लिए भी इमेजिन कर पाना बहुत मुश्किल है। और ये देखिए कोई भी डॉक्टर किसी को जीवन नहीं दे सकता है, प्रयास जरूर कर सकता है, वो सारा प्रयास हमने किया है। बच्चा तकरीबन वही 22 दिसंबर को हमारे पास उसके फादर द्वारा लाया गया था। पॉली सब्सटेंस अब्यूज मतलब बहुत तरह के नशे से पीड़ित था बच्चा और कुछ व्यवहार संबंधी समस्याएं थी और उसके लिए हमने उसका उनके फादर के अनुरोध पर एडमिशन करके इलाज शुरू किया था। इम्प्रूवमेंट भी हो रहा था, बच्चा काफ़ी ठीक हो रहा था और कोई छुटपुट घटना कभी हुई थी 28 तारीख के आसपास जिसमें मतलब एक आधा थप्पड़ उसको कुछ स्टाफ ने किसी ने मार दिया था, उस बात का उसको बहुत बुरा लग गया था। तो थोड़ा सा सेंसिटिव काइंड का बच्चा था, बातों का थोड़ा जल्दी बुरा मान जाता। स्टाफ के द्वारा किया गया था या सर आपके द्वारा किया? नहीं, स्टाफ हमने कभी किसी मरीज को आज तक कभी हाथ नहीं लगाया। हम क्यों हाथ लगाएंगे भाई? स्टाफ को ये होता है थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, एक्चुअली उसको एक्सरसाइज कराने के लिए लोग उतार रहा था, एक्सरसाइज करने के लिए उतार नहीं रहा था तो उसमें वो घटना हुई। जब जानते थे कि बच्चा जब सेंसिटिव है उसके ऊपर अगर कोई भी ऐसा कार्रवाई होता है तो उसको बुरा लगेगा, फिर ऐसा क्यों किया गया आपके द्वारा नहीं आपके स्टाफ के द्वारा? हाँ, ये बात है कि वो घटना हुई थी जिसमें मतलब उसने उसको एकाधा चक्का मारा था। तो ये बात लेकिन 28 तारीख की घटना है। ना, मारा क्यों किया? आगे भी पढ़े। हाँ बढ़िया सर। हाँ, ये घटना 28 तारीख की है। उसके बाद 4 तारीख को उसके फादर उससे मिले हैं। 4 तारीख को उसने अपने फादर से कंप्लेन किया है कि हमको बहुत ज़्यादा मारा गया है और सीसीटीवी ऑफ करके मारा गया है। अच्छा। और ऐसी कोई बात नहीं है, सीसीटीवी का कंटिन्यूस फुटेज उनके फादर को भी यह है कि सीसीटीवी अगर हमारे बच्चे को बंद करके मारा गया होगा सीसीटीवी का, उसका जरूर सीसीटीवी का इंटरप्शन होगा। हार्ड ड्राइव सीज कर लीजिए, आज पुलिस आके हार्ड ड्राइव सीज करके लेके गई है, पूरा NVRE हमारा लेके चली गई। तो मतलब उसमें सब कुछ दिख रहा है। और उसके बाद 4 तारीख को उसने कंप्लेन किया है फादर को कि हमको बहुत ज़्यादा मारा गया है। और उसके बाद फिर 8 तारीख को भी आके मिल के गए हैं। उस समय वो बंदा सही बोल रहा होगा। अब तो ये तो अनुसंधान का विषय, सीसीटीवी के फुटेज में आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये मतलब कोर्ट को और पुलिस को देखना है। अब आगे ये हुआ कि मतलब एकदम बच्चा वो ठीक चल रहा था, हेल एंड हार्टी एकदम बढ़िया, और मतलब 2:30 बजे तक एकदम ठीक रहा है, सबके साथ खाना पीना खा रहा है, टीवी देख के मैच देख रहा है, कभी सो रहा है, घूम रहा है, टहल रहा है, सीसीटीवी के फुटेज में दिख रहा है। और एक बार वो अपना कपड़ा भी चेंज कर रहा है। जी बताइए, क्या उस जहाँ पर बच्चा था उस रूम में क्या वो सिर्फ सिंगल बच्चा था? नहीं, और भी बच्चे थे। और भी बच्चे हाँ, थे हाँ, हाँ। कितने बच्चे थे? लगता है 3-4 बच्चे थे। जिस समय ये इंसिडेंट हुआ जी, क्या उसमें वो सारे बच्चे थे? उन लोगों का क्या था? उन लोगों का कहना पुलिस को उन्होंने बयान अपना दिया है। आपको देंगे, हम जानते हैं कि आप एजिटेटेड हैं, कोई भी देखेगा ना उसको खराब लगेगा और आपको भी वैसे ही खराब लग रहा है। आप भी एक आम जनता है, आपको खराब, आप नॉन मेडिकल पर्सन है। हाँ, हम FIR देखे हैं भाई साहब, हम देखे हैं भाई साहब। अगर मेरी भी जिंदगी मेरे हाथ में होती तो हम कह सकते हैं यहाँ कोई डॉक्टर जो उपस्थित नहीं करते कि अपनी जिंदगी बचा लेंगे, कोई नहीं कर सकता है। अच्छा, आप देखिए उस बच्चे को मतलब उसमें वो उल्टी फंस गए, जो हमारी समझ है, उसको सांस की परेशानी होनी शुरू हुई। इमीडिएटली 2 मिनट के अंदर हमारा स्टाफ उसको नीचे लाया, BP पल्स लिया है, हमको इन्फॉर्म किया है, BP पल्स ठीक रहा है लेकिन ऑक्सीजन उसका नीचे गया शुरू हुआ। जैसे अगर आपकी सांस की नली में कुछ अगर फंस जाएगा तो आपका ऑक्सीजन नीचे जाएगा, ऑक्सीजन उसका नीचे आना शुरू हुआ, हमको ये इंट्यूशन हुआ कुछ हुआ है इसके साथ। तो फिर उसके बाद ये जो है मतलब स्टाफ जो है वो कहा कि सर ये अच्छा नहीं है, तो इसको उठा के बगल के नर्सिंग होम में काफ़ी सीनियर मतलब फिजिशियन है डॉक्टर सुशील कुमार सिंह, तो उनका नर्सिंग होम हमारे नर्सिंग होम के पास ही है, उनके पास वो स्टाफ लेके गया क्योंकि उस समय हम हॉस्पिटल में नहीं थे, हम बाहर से आ रहे थे, हम रास्ते में जाम में थे। और हमने उसी समय जब ये तबीयत खराब होनी शुरू हुई 3:30 के आसपास उनके फादर को इन्फॉर्म किया और उन्होंने कहा कि उसकी तबीयत खराब हो रही है, हम लोग उसको लेकर दूसरे हॉस्पिटल में जा रहे हैं, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य था, वो जब नहीं थे तो हमारा कर्तव्य था और हम उसका पालन करते हुए हम उसको लेके गए और वो हमारा स्टाफ लेके आया, सॉरी।
अपने पैर पे चलते हुए मोटरसाइकिल से खुद पे बैठा है। आपके कुछ साथियों को हमने वो वीडियो फुटेज दिखाया है, आप देखे हैं खुद से चला है, आपने देखा है भाई साहब रिकॉर्ड थे, तो खुद से चल के गया। अगर मार पिटाई किसी की ऐसी हो कि अधमरा हो जाए, वो खुद से चल के नहीं जाएगा। एक बार उसी रूम में लगभग 2:30 बजे के आसपास अपना मतलब शर्ट भी उतारा है, जैकेट भी उतारा है, जिसमें कोई उसके पीठ पे कोई दाग नहीं है। आप जो दाग दिखा रहे हैं ना, अपने साथी से पूछिए क्यों भाई साहब है, कोई दाग नहीं था। नहीं नहीं चुपचाप नहीं रहने के लिए बोलिए, उनको उनको हमने दिखाया है, उनको देखने उनको बोलिए, उनको साथी को तो बोलने दीजिए। तो फिर उसके बाद ये है कि अपने से मोटरसाइकिल पर चढ़ के गया, कार में भी नहीं, कोई एम्बुलेंस में नहीं, कोई एम्बुलेंस कोई कार में चढ़ के नहीं गया। और ये जो सर जो दाग है जो दिखाए आपको अभी सर, ये सर मतलब क्या मतलब आर्टिफिशियल है या वो मतलब? बस हम आते हैं उस पर, आपको सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताते हैं। उसके बाद डॉक्टर साहब के यहाँ हम भी पहुँच गए थे, डॉक्टर सुशील साहब ने भी और हमने दोनों ने मिलकर CPR करना शुरू किया, क्योंकि ये डिटोरिएट कर रहा था। और उसके बाद हम लोगों को लगा कि नहीं ये गड़बड़ा रहा है। हम लोगों ने इनके फादर से हमने पूछा था कि क्या इसको पारस ले जाएँ, पारस निकालने पारस लूट लेगा, इसीलिए पारस जाने वाला सवाल बंद हो गया। फिर डॉक्टर साहब ने सजेस्ट किया कि नहीं इसको एम्स लेके चलते हैं, बड़ा अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है। हम लोग दोनों उसको अपनी गाड़ी में लिए, अपनी गाड़ी में लिए, हम अपनी गाड़ी में लिए, ऐसा नहीं कि उस बच्चे को छोड़ दिया, अपनी गाड़ी में लिए, ऑक्सीजन का सिलेंडर वहीं से लिया, CPR करते हुए उसको एम्स लेके गया। वहाँ पर हम लोगों ने अपने साथियों को इन्फॉर्म किया कि नहीं भाई तुम लोग तैयार रहना, वहाँ पर टीम पूरी तैयार थी, और उन लोगों ने मतलब फटाफट उसको अंदर लिया, उसका स्ट्रेचर पे जैसा डॉक्टर साहब ने बताया स्ट्रेचर पे ही CPR शुरू हुआ, बहुत विग्रस CPR, बहुत ज़्यादा कोशिश की गई क्योंकि सब लोग देख रहे थे कि जवान बच्चा है। किसी का CPR जो होता है क्या सर पूरे बॉडी में होता है? आपने सुना डॉक्टर संतोष जो है वो क्या कुछ कर रहे हैं, जो उनके साथी जो डॉक्टर हैं और उन लोगों का क्या कुछ करना है। इस तरीके का तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे हैं NBC 24 न्यूज के साथ। बहरहाल वीडियो में इतना ही, वीडियो हमारी फेसबुक पेज पर देख रहे थे, हमारे पेज को लाइक फॉलो कर ले, वीडियो यूट्यूब पर देख रहे थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।